हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। टेररिस्ट को भी फीलिंग्स होती है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा ये सीरीज में बताता है। लेकिन वो इसलिए बताया है क्योंकि एट द एंड वो लोग भी ह्यूमंस होते हैं। कोई भी बच्चा पैदाइशी टेररिस्ट या कोई डॉन तो नहीं होता है, वो वक्त और हालात उसे बनाती है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो इंसान वक्त और हालात की वजह से किसी बेगुनाहों को मारना या किसी को भी जान से मारना या इस तरीके की दहशतगर्दी फैलाने का सोचता है, तो उसकी फीलिंग को मैं बोलूंगा कि भाई तेरी फीलिंग तू तेरे पिछवाड़े में घुसा दे, हमको तेरे फीलिंग का कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके की चीजें हम लोग सीरीज में देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। लेकिन ये सीरीज आपको क्यों देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बात करेंगे मुंबई डायरीज 2611। ये अमेजोन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 40 मिनट से लेके 50 मिनट्स के बीच में ही, और इसके लिए तकरीबन पूरी रात मैंने डाल दिया। सुबह 5 बजे तक ये शो खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद जो नींद आ रही थी तो मैं सो गया रहा, उठ के रिव्यू कर रहा हूँ। तो यार शो की कहानी स्टार्ट होती है उन टेररिस्टों से जो कि पानी के रास्ते मुंबई में एंट्री हुए थे, और एंट्री होने के बाद वो लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब उनके कुछ मेंबर्स वहां पर जाके फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गया, यानी कि कुछ घंटे पीछे लेके जाते हैं जहाँ हमें बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और उनके बीच में या उनके साथ जो चीज़ें हो रही वो देखने को मिलता है। फिर क्या कुछ चीज़ें होती है ये सब कुछ जानने के लिए तो भाई आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा। देखो शो के स्टार्टिंग में ही मेकर्स ने बता दिया कि कहानी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और कुछ जगहों के नाम चेंज किए हैं और कुछ फिक्शनल चीजें डाली है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि भाई तुमने लियोपोल्ड कैफे और ट्रेडेंट इनके नाम ओरिजिनल यूज किए और दूसरी तरफ आप केम हॉस्पिटल और ताज होटल के नाम बदल के चेंज किए, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। खैर उसके अलावा सीरीज में एक चीज जो बहुत अच्छी तरह से बताइए कि देखो तो हमने इस पर अलग अलग मूवीज देखी है, आपको पता नहीं लेकिन मैंने इस पर 2 मूवीज देखी है। एक तो मैं रिसेंटली देखा था यार, वो जिसमें फॉरेनर अपना स्लमडॉग वाला एक्टर था, और दूसरी अपना राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी। लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज को निखिल आडवाणी, जो कि अपने करियर का सबसे बेस्ट काम किया, मतलब जो पर्सपेक्टिव से जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीजों को इस बड़े इवेंट को बताया ना, वो काबिले तारीफ है यार। अगर कैरेक्टर्स की बात करूं तो देर आर टन्स ऑफ कैरेक्टर, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिस वाले हो, मीडिया कर्मी हो, हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, उनकी बैक स्टोरीज बताई है और वो किस तरीके से प्रेजेंट में सिचुएशन में जूझ रहे हो, मतलब उनको इतनी अच्छी तरह से लिखा है कि मतलब इजीली आप हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाओ, जो कि सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। शो में एक सेकंड के लिए भी आप हिल नहीं सकते हो, स्पेशली एपिसोड 6 जब वो टेररिस्ट बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल में, ये स्पॉयलर्स नहीं है, जब वो लोग, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड देख के अगर आप लोग सोचो कि नहीं ये सीरीज को बीच से छोड़ देना चाहिए, तो यू विल बी मेकिंग अ बिग मिस्टेक। क्योंकि जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है वैसे जैसे शो इतना ग्रिपिंग, इतना इंटेंस, एज ऑफ द सीट बन जाता है कि भाई मैं जगह से हिल नहीं पा रहा था, जबकि मैंने इस पर कितनी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखा हो। आप लोग यकीन कर सकते हो मेरी बातों पर अगर जरा भी विश्वास हो तो, क्योंकि आफ्टर 6 एपिसोड वो वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है भाई, मजा आ गया। उसके बाद शो में आपको मीडिया किस तरीके से हरामी बन करती है, मीडिया के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई मर रहा गया भाड़ में, उनको बस ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। तो ऐसे एक कैरेक्टर है मानसी, जिसको मतलब काफी हद तक रियल रखने की कोशिश की, जो सिचुएशन बताई ना 70-80% मीडिया कर्मी ऐसे ही होते हैं, 100% नहीं होते, मगर 70-80 मतलब मेजोरिटी ऑफ द मीडिया पर्सन कैसे होते वो हम मानसी कैरेक्टर में फेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर ऊंची कास्ट और नीची कास्ट के बीच का एक डिफरेंस है, वो भी हमें 2 कैरेक्टर के बीच में देख पाता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये भी एक ऐसा इंडिया जहाँ पर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, जो कि बहुत ही शर्म वाली बात है। लेकिन एट द एंड मैं उस पर क्या ही कहूँ आपको। उसके अलावा हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता है, वो भी शो में बताया है। और एक चीज मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं आपको बता दूं, यकीन मानो कि टेररिस्टों का कोई मजहब नहीं होता है, वो कोई भी हो सकता है, और ऐसे लोगों को सिर्फ मेरे हिसाब से सजा है मौत है और कुछ भी नहीं है। और टेररिस्टों को कभी भी कोई भी इंसान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और जो इंसान ऐसा बोलता है कि हर मुस्लिम टेररिस्ट या हर मुस्लिम ऐसा है, तो वो उसके मैं खिलाफ हूँ यार, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और इस शो में भी जो चीजें बताई है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत चलेगी। एक डॉक्टर का क्या फर्ज होता है, मतलब वो बहुत अच्छी तरह से बताया। और कहीं ना कहीं देखो कभी कभी हिट ऑफ द मोमेंट हमको वो सारी चीजें गलत लगती है, हम लोग इस शो में देखते हैं और हम सोचते हैं तो नहीं, उस टाइम पे डॉक्टर ने जो किया वो भी बहुत सही है। वो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो स्पॉयलर्स के अंदर आ जाता है, जो कि आप लोग समझ सकते हो। ओवरऑल
इट्स अ शो जो हर एक इंसान को, स्पेशली जो मुंबईकर से या इसके बाहर के जो लोग हैं उनको देखना चाहिए। काफी कुछ चीजें ऐसी बताई जो हमने मूवीज में भी नहीं देखा था। शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, एक्शन सीन जैसे कि मैंने कहा वाह क्या शूट किया है, वो जो उनके फायरिंग वाले सीन थे, उस फायरिंग में वो जो टेंशन का माहौल क्रिएट किया ना यार, मैं बोलता हूँ ऐसी सिनेमेटोग्राफी आप लोग बॉलीवुड के किसी प्रोडक्ट में बहुत कम देखने को मिलती है, जो यहाँ पर आप लोग विटनेस करोगे। शो में ह्यूमैनिटी पर जो फोकस किया है कि देखो कुछ अच्छे इंसान है जो अपनी जान पर खेल के, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे वो सिविलियंस हो, आम सिविलियंस हो, जिन्होंने उस वक्त 26/11 में कई लोगों की जान बचाई थी, तो उन पर भी शो बहुत अच्छी तरह से फोकस करता है। साथ साथ मूवी का BGM भी अच्छा है, ओवरऑल डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, एडिटिंग मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार कहीं पे ये शो को एडिट कर सकते थे, मतलब 8 एपिसोड फिर भी थोड़ा ज्यादा लगता है, वन शॉट में आप लोग देख तो लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वेब सीरीज के चलते ना कुछ ज्यादा ही हो गया, तो मेरे हिसाब से एक आध एपिसोड कम किया जा सकता था। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो, दिस इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मोहित रैना वन ऑफ द अंडररेटेड एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, कमाल के एक्टर है भाई। पूरे शो में जो डॉक्टर करूण उन्होंने किया, जो एक्सप्रेशन थे, जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलते हैं, जिस तरह से वो मूव करते हैं, मोहित रैना का मैं पर्सनली फैन हूँ। प्लेबे सीरीज है जिसपे भी क्या काम किया था उन्होंने, उसका सीजन 2 का हम लोग वेट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर शो में भी भाई हिला के एकदम मोहित रैना ने उनके टक्का का परफॉर्मेंस किया था। कोंकणा सेन शर्मा जिस किरदार को निभा रही है, जिस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रही सीरीज में, द वे शी एक्टिंग, मतलब यार ऐसा फीलिंग होता है कि हम लोग उसको एक्ट करते होते, ऐसा लग रहा है कि हम रियल में कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। और इनफैक्ट ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ दम एक्टर्स के साथ जाती है सीरीज में, जो चाहे वो यंग एक्टर्स हो चाहे वो हमारे वेटरन हो, वो जो एयरलिफ्ट में नजर आए थे, वो बहुत ही अलग सा रोल, मतलब वो यहाँ पर प्रिंसिपल का रोल प्ले कर हॉस्पिटल के, वो भी उनका भी नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या परफॉर्मेंस करते, तो ईच एंड एवरी वन जो इस पर्टिकुलर शो में है उनका परफॉर्मेंस देख कर मजा आता है। आप कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी जगह पे ओवर एक्टिंग करते लेकिन हम लोग उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ शो विच ईच एवरी वन विल गोना लव इट, मजा आएगा, और घर पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, कुछ भी अश्लील इसमें नहीं है। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 9 out of 10। बस इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।